इधर आओ। अच्छा एक चीज दिखानी है आपको। बस बस बस, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मैं तो जा रहा हूँ दरख के ऊपर चढ़ने। ये मोगली बन जाना है मैंने अभी। अब मैं मोगली बन के दिखाऊंगा आपको। आ जाओ। ओ शेर, शेर, शेर खान, शेर खान को पकड़ो। आ गया जी, आ गया। हंस रहा है, हंस रहा है। अब मैं मोगली बनता हूँ। अब आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। यार ये दरख्त देख रहे हैं यार, क्यों रो रहे हैं यार? मुझे बताओ आपको क्या चाहिए। इधर बैठो, इधर बैठो। अब मेरी बात बताओ मुझे, आपको क्या चाहिए? आप प्लीज बता देना। ऐसे कर सकते हो? बस बस चलो, चलो एक मिनट। आपको कुछ चाहिए? रहे ना, हम खेल रहे हैं। अभी मैं मोगली बनने वाला था, मैं दरख्त पे चढ़ने वाला था। अभी अभी तो हमने दरख्त को भी काटना है। आ जाओ। अभी मैं चढ़ूं? अच्छा यार एक काम करो, हथौड़ी ले आओ। हथौड़ी नहीं, सॉरी, कुल्हाड़ी ले आओ। भाई मैं इस चीज के खिलाफ हूं, मैंने इस चीज पे वीडियो भी बनाई। दरख्त वो जड़ों से थोड़ी काट रहे हैं, ये हम ऊपर से काटेंगे, फिर ये नए निकलेंगे, मतलब बाहर के मौसम में और बड़े होंगे, इससे और माशरा जो रंगीन हो, खुशहाल होगा। और इसलिए काटने जा रहे हैं। मसला मैं बताता हूँ क्या है। मसला ये है यार, ये देख रहे हैं खुले खुले अजीब से लग रहे हैं। हम चाहते हैं हमारे दरख्त हो जाए घर के साथ वाले, ऐसे कहाँ गए घने दरख्त, वो पीछे जैसे देख रहे हैं मोटे से घने से, वो कर रहे हैं। और ये काटेंगे ना जब हम, ये जब काटेंगे इसकी पतली पतली जो होती हैं, क्या कहते हैं इनको, शाखें, वो काटने के बाद ये फिर घने हो जाएंगे जब नए निकलेंगे। ये फिर भी रो रहा है। अभी मोगली बनता हूँ ना मैं, अभी मैं दरख्त पे चढ़ूंगा और इनको काटूंगा। शेरली ऊपर आरा पड़ा होगा, आरा, आरी मिलेगी, आरी राहत काटनी है। जाओ दरख्त काटना है, जाओ जाओ ले आओ, आरा ले आओ। तो यार मैं आरा लेने जा रहा हूँ क्योंकि घर में हथौड़ा है, हथौड़ा नहीं सॉरी कुल्हाड़ी है नहीं यार, मैं हथौड़ा कुल्हाड़ी मिक्स कर देता हूँ। ये हमारा पोर्शन अभी बनने लगा है, 2 साल से अभी नहीं बना, बनवा रहे हैं जी। तो यहाँ पर मैंने आरा देखा था, ये पड़ा है, इस आरे से काटने की कोशिश करता हूँ मैं। तो शयान ये अभी भी रो रहा है, इधर आओ। मैं आपको लग जाएगी उधरख काट रहे, ऊपर चढ़ने चाचू, ऊपर चढ़ेंगे। देखो ये चढ़ू कैसे फिर? दीवार पे चढ़ जाओ ना, ये वाली सामने वाली पे आ जाओ। वो देखो, वो देखो कौन है वो। अब इसके ऊपर कैसे आओ? आ जाओ, आ जाओ। ओ जियो। तो मोगली तो ऐसे ही करता है। हाँ भी शहजादे, रात काट ली यार। काट रहा हूँ लेकिन मुश्किल है। नहीं कट रही। कट गई, कट गई, रात तो कट गई आराम से भाई। वैसे ये करने से ठीक हो जाता है फिर दरख्त का मतलब तना वगैरह। हाँ फिर घना दरख्त निकलेगा ना। आरी हमारी जंग आलूद है भाई। नहीं है यार, इसको जंग लगे वैसे तेज है ये। अच्छा मुझे गिरने का खतरा है, इसलिए मैं अपनी पोजीशन बना अब सही है। देखा लक्कड़ आ रहे बनो, तोड़ दो ये। ओ वो भाई कैमरे में क्यों डाल रहे हो यार, मतलब कुछ भी। अब ध्यान से यार कैमरे में नहीं डाल, इसको तोड़ दो ऐसे। तो यार कुछ इस तरह से दरख्त हो गया है, बिल्कुल टकला लग रहा है। तो यार अभी क्या करना है, फ्रेश होना है, नहा धोके जुमे के लिए तैयार होना है और जुमे की नमाज पढ़ने जाना है। तो 1 2 3 तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तैयार हो चुका हूँ। तो यार अभी नमाज पढ़ने जाना है मैंने। यार ये हमारे नेबर्स का कुत्ता जो कि 5 साल से हम पे भौंक रहा है, अभी तक इसको ये पता नहीं चला कि हम आपके नेबर्स हैं। तो ये हाल है आजकल दुनिया का। बस कर दे भाई, बस कर दे। आप लोग आ गए स्कूल से? किसने पहनाया ये दिखाओ तो सही हैं? किस खुशी में पहना ये क्राउन? सस्ता सा 5 रुपए वाला क्राउन पहन के भाग रही है, जाओ नहीं देखना हमने, जाओ चलो। ऑरेंज क्राउन है। शेरली कितना टाइम है, जल्दी करो यार। तो यार घर वाले कह रहे हैं कि पहले दाल लेके आनी है फिर उसके बाद जाके नमाज पढ़ना। हाँ ये देखो। तो यार अभी फिर मैं पहुंच रहा हूँ मस्जिद में, शेरली भी अभी आ रहे थे मेरे पीछे पीछे। कैमरा रख के आ जाना, ठीक है? ओके। तो तुराओ कह रहे हैं मैं ऊपर जा रहा हूँ, वीडियो बनानी है तो मेरी हेल्प कराओ, ये करो वो करो, और मैं भी साथ जा रहा हूँ ऊपर। ये होता है बड़े भाइयों का रोब, और इन्होंने कटिंग देखें कैसे कराई हुई है आज। इधर देखें थोड़ा सा, कहाँ से कराए हो भाई?
तो यार ऊपर आए हो तो तुरा भाई अभी कपड़े उतार रहे हैं, वीडियो के लिए करते हैं सारा कुछ, नहीं तो इन्होंने आज तक कपड़ों को हाथ नहीं लगाया। ये कहते हैं भी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो पीछे कपड़े अच्छे नहीं लगते लटके हुए, तो ये अपना काम खुद कर रहे हैं माशाल्लाह, अच्छी बात है। तो यार काफी हमें मुझे कह रहे थे ना तुरा भाई को ब्लॉग में नहीं लेते, तुरा भाई को ब्लॉग में लाया करो, बहुत कम आते हैं। तो यार बात ये कि तुरा भाई बिजी काफ़ी होते हैं अपनी वीडियोज़ में, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम उनको वहाँ पर लग जाता है, पूरा दिन उनका निकल जाता है, और मैं बड़ी मुश्किल से इनको लेके आता हूँ ब्लॉग में, मैं ज़बरदस्ती लेके आना पड़ता है। जैसे अब ऊपर आया ना मैं पहुँच गया, मैंने कहा इनको तो और ब्लॉग में लेना है, और ये बिहाइंड द सीन समझ लें दूसरी वीडियोस, अभी पीछे काम कर रही है और मुझे बड़ी गंदी निगाहों से देख रहे हैं। चले फिर करें शुरू। तो यार अभी तुरा भाई कह रहे हैं उनकी वीडियो बनानी है मुझे, तो अभी मैं थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ, थोड़ा सा टी ब्रेक समझ लें या लंच ब्रेक समझ लें, उसके बाद मिलते हैं आपसे। हमारे सेटअप पर एक और गुड न्यूज़ आ चुकी है, गुड न्यूज़ पे गुड न्यूज़, गुड न्यूज़ पे गुड न्यूज़। कभी किस कबूतरी ने अंडा दिया होता है, कभी किस कबूतरी ने अंडा दिया होता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। गुड खबर, खबर ये है दोस्तों कि हमारी एक और कबूतरी ने अंडा दे दिया है। इसका दोस्तों मेरे जहन में बिल्कुल भी नहीं था कि ये कबूतरी अकेली अंडा देगी और अंडे के ऊपर बैठेगी भी, और अंडे के ऊपर बैठेगी भी हो जाता है, कभी अच्छी खबर भी मिल जाती है। तो कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, उम्मीद करता हूं कि आप सब क्यों ही सिपते हैं यार। तो फाइनली यार वीडियो कंप्लीट हो गई है, मैंने और शैली ने बहुत मेहनत की है, तो आप भाई तो बस कैमरे के आगे आ जाते हैं। और अभी यार नीचे चलते, काफी भूख लगी है, कुछ बना भी हुआ है नहीं? यार बना तो रहे, पता नहीं क्या कीमा वगैरह बना रहे मेरे ख्याल से। चलो जो भी है खा लेंगे, चलो नीचे चलो। बड़ा वीआईपी स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन होगा यार। हमारे असल में इंडिया से भी फैन है, तो उनके लिए भी हमें चाहिए कि हम अपनी लाइफ में यूज करनी चाहिए स्वादिष्ट भोजन। ठीक है बिल्कुल, ये चीज। यार अब तो रात हो गई है, शाम होने वाली है, अब कैसे जाऊं मैं पार्क? शाम हो गई है, अब मैं सबको कैसे, बच्चे इधर रात को घूमो जाए फिर? मैं हूं ना। आप क्या करोगी? मैं सबको घर ले आऊंगी। अच्छा आ जाओ। शायान आपको चक्कर आए? हेलो गाइस, हेलो गाइस की बच्ची देखो रात हो रही है, चलो सारे यार चलो। कितने बच्चे थे यार? आओ वापस आके गिनते हैं, टोटल 7 बंदे थे, अब कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 वो तो कोई और है, 6 बंदे, 7वां कहाँ है? अच्छा हाँ 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 सही है सही। चलो चलो यार मैं इनको देख लूँ, पहले घर पहुँचा दूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। कैमरा पकड़ना। क्या कर रहे थे यार? ड्राई हो रही थी स्किन काफ़ी, तो जैतून का तेल लगा रहा था। मैं डर गया कि यार पता नहीं कौन बोल रहे वॉशरूम में आहिस्ता आहिस्ता। इससे मैंने सुना है कि ड्राइनेस बिल्कुल खत्म हो जाएगी और स्किन जो है ना सॉफ्ट हो जाएगी। मुझे नहीं रहा है यार, काफी ज्यादा यार वो हो रही थी, ड्राई हो रही थी स्किन। अच्छा जी, मेरी स्किन त्वचा। तो यार मैंने अभी स्किन पे लगा लिया वो जैतून का तेल, इससे ड्राइनेस खत्म हो जाती है और मतलब कि सही रहता है। भोंक ले यार। तो यार ये कुत्ते पता नहीं कब चुप करेंगे, और रात का टाइम भी हो गया, ब्लॉग एंड करने का भी टाइम हो गया है, और ये कुत्ते भी भोंक रहे हैं, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना टाइम हो गया। तो यार मैं चलता हूँ अभी, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। बस